I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And गुड मॉर्निंग गाइज, जय गुरु जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो मेरा आज व्लॉग एक दिन के बाद आ रहा है। वैसे तो ये जो लास्ट व्लॉग देखा था उसके नेक्स्ट डे का है, यानी कि फ्राइडे का मॉर्निंग का डे है। और बस मॉर्निंग में मैंने मशीन लगा ली थी, यहाँ पर टाइम हो रहा था 6 बजे, मतलब 6 बजे मैं उठी थी, मशीन वगैरह लगाई, तो यहाँ पर टाइम 7:15 हो रहे थे, तो फटाफट पानी आया तो मैंने कपड़े पानी में से निकाल लिए, थोड़े से थे कपड़े, ज़्यादा नहीं थे। एक्चुअली आज ससुराल निकलना था, तो मेरे को ये था कि मैं कपड़े धो के जाऊँ सारे जितने भी हैं, और मतलब सूख भी जाएँ, हम उतार के ही जाएँ, हम बाहर ना मतलब रख के जाएँ, तो बस इसलिए था। फटाफट सारे काम कर लिए और यहाँ पर लगे हाथ, मैंने थोड़ी सी छत भी धो ली जो गंदी सी हो रही थी ना, यहाँ पर सारी छत धो ली है। और साथ में हस्बैंड भी लगे हुए हैं, क्योंकि इनको आज ऑफिस जाना नहीं था, ये भी आ गए थे छत पे। फ्राइडे का है ना, फ्राइडे को इनका ऑफ भी होता है, और आज नन्नू की भी छुट्टी थी क्योंकि इलेक्शन थे हमारे यहाँ पर, तो बस 3 दिन की उसकी छुट्टी हो गई थी। वैसे तो हमारा ये था कि वो पढ़ के जाएगा, स्कूल जाएगा, जब स्कूल से आता फिर हम निकलते, बाय चांस उसकी छुट्टी होगी, तो फटाफट सारे काम निपटाए, मार्केट का जो काम था मार्केट गई, और जो सामान लेना था वो सामान लिया, और पैकिंग वगैरह की। और हाँ, आप व्लॉग को एंड तक देखना, आपको मतलब दो सरप्राइज़ मिलेंगे। एक तो बहुत बड़े वाला सरप्राइज़ है, बहुत बड़े वाला सरप्राइज़, मतलब किसी ने ना मतलब सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ होने वाला है, मतलब घर में किसी ने भी नहीं सोचा था। तो इसीलिए व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा कि क्या सरप्राइज़ था। दो सरप्राइज़ है। सवा सात कपड़े धुल चुके हैं। हाँ ठीक है, कपड़े सारे धुल चुके हैं, और ठंड बहुत है। ये काम पे काम दिए जा रहे मेरे को, काम करने तो कुंडी मार के गई थी, गया। अच्छा, नन्नू सो रहा है, अभी तो आप नाश्ता करोगे नहीं? तुम कर लो ना, मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर जाके कोई काम करूंगी, क्योंकि ये भी रेस्ट करेंगे, मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। चलो मिलते थोड़ी देर। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था और टाइम हो गया था 8:30 का टाइम था, तो मैं आ गई थी किचन में, एकदम से आती ना तो ठंड भी लग जाती, इसलिए मैं रसोई में बैठ गई थी। और जो मैं दो सरप्राइज़ बोल रही थी ना, वो आपके लिए दो सरप्राइज़ है, हमारे लिए एक, मतलब एक तो ऑलरेडी हमें पता ही था कि क्या गुड न्यूज़ आने वाली है घर में, और एक हमारे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होता था। अच्छा, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मैंने एक तो बनाए थे गोभी के परोंठे, जो कि मैंने गोभी को अच्छे से बॉईल कर ली है और उसको क्रश कर लूँगी, और साथ में मैंने मूली ले ली थी। मुझे ये था कि मुझे पूरा फ्रिज खाली करके जाना है, जितनी भी सब्जी थोड़ी थोड़ी थी ना, सारी मैंने गोभी थी मूली थी दोनों को क्रश कर लिया, तो जितने गोभी के बने तो उतने गोभी के बना दिए, और थोड़े मूली के बने तो मूली के बना दिए, तो ऐसे मैंने परोंठे बनाए। मिक्स नहीं करा था, मेरे को ये था कि मिक्स में पता नहीं टेस्ट आएगा या नहीं आएगा। और मेरे चैनल पे ना जो लंच वाले वीडियोस हैं वो मैं डेली डाल रही हूँ, अगर आप लोगों को आइडियाज़ लेने हैं तो आप वो वाली वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको लंच वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं, अपने बच्चों को लंच देते हो तो थोड़े से आइडिया मिल जाएंगे, और बताइएगा ज़रूर। मतलब और भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि मैं क्या क्या बना सकती हूँ बच्चों के लिए, ठीक है। तो बस ब्रेकफास्ट करके मैं सीधा चली गई थी मार्केट, क्योंकि मार्केट में मेरे को बहुत अर्जेंट काम था, वहाँ पर मेरे को 1 से 1.5 घंटा लग गया था आराम से। फिर आकर फटाफट मैंने कपड़े यहाँ पर पैकिंग करी, पैकिंग में भी आपको पता ही है कि 1 से 1.5 घंटा चला जाता है, फिर पैकिंग वगैरह की, घर का काम करा एंड नहाया धोया, सारी चीज़ों में बहुत टाइम लग गया था। तो यहाँ पर चलो फटाफट पहले पैकिंग कर लेते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि फिर हमारी जो ट्रेन थी वो उसका टाइम भी जल्दी का था। वैसे हम जब समर में जाते थे ना तब हम शाम को मतलब 6:30 पकड़ते थे, लेकिन आज हमें 4 बजे वाली पकड़ने, तो जल्दी निकलना था। और नन्नू यहाँ पर मेरे को कह रहा था कि ये कपड़े रखो वो कपड़े रखो, ऐसे सजेशन दे रहा था मेरे को।
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. तो टाइम हो गया 1:30 और हम घर से निकल चुके हैं. मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं. हवा देख चलती है. अभी तो फिलहाल गर्मी लग रही है तो जैकेट नहीं डाली है. बैग के मतलब ना ऊपर ही रख लिया. जब दिन में अगर ठंड लगेगी तो डाल दूंगी. नन्नू तो गर्मी लग रही है. कह रहा गर्मी लग रही तो टी शर्ट भी निकाल दो. नन्नू कहाँ जा रहा है? शौक है बस जाने का, घूमने का. बात बात किसी से नहीं करता ये लड़का. बहुत गंदा हो गया. सबकी कंप्लेंट यही आती है कि नन्नू बात नहीं करता. तो मैंने ना रास्ते में कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि ना ट्रेन में बहुत ज़्यादा वाला क्राउड था. अगर मैं रिकॉर्ड कर पाती ना तो आपको रिकॉर्ड करके दिखाती कि कितनी भरी हुई ट्रेन थी. एक्चुअली ना दिल्ली के साइड में ना कुछ सत्संग चल रहे थे दो जगह, तो उसकी वजह से लोकल जो पब्लिक थी वो होती दूर दूर की पब्लिक थी बहुत ज़्यादा. तो ये लगा लो कि एक के ऊपर एक चढ़ चढ़ के इंसान ट्रेन में जा रहे थे और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ट्रेन में गई थी जो इतना ज़्यादा भीड़ था. तो बस रात को हम पहुँचे थे 7 बजे और यहाँ से मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हमें क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है. तो आगे देखो क्या होता है. स्टार्ट है. स्टार्ट वीडियो. स्टार्ट वीडियो. और दीजा कैसी हो? आप ठीक हो? बढ़िया. भाई किसी ने नहीं बताया. आप कैसे हो? अच्छा मैंने मैसेज भी किया था तुम्हें. अभी मैसेज आए सो गई. मैंने मम्मी को बोला भाभी का मैसेज आए सो गई क्या? मैंने रिप्लाई करी मैंने सो गई. वो साढ़े तीन बज गए. मैं कह रही आज पूरा दिन फोन नहीं किया. जैसे हम फ्राइडे को करते हैं ना तो मैंने कहा चल रस्ते में कर लेती हूँ. आज पूरा दिन बिजी था पूरा दिन. अरे भैया भैया आपने क्या खौफ डाल रखा भैया के पास? हम पहुंचे ना आपको भैया करे. मैंने रिंके को बता देता हूँ. रिंका कहीं गुस्सा ना हो जाए कि मैंने रिंके को नहीं बताया. मैंने कहा यार भैया अगर आज कंजी नहीं होती ना तुम्हारा प्लान था कि हम लोग फरीदाबाद आते. अच्छा कंजी यार सरप्राइज होते. बाय भैया रात से लगे लाटो मारते सरप्राइज. जल्दी जल्दी ये ले वीडियो. हेलो करो. हेलो जल्दी से. तीशु नन्नू कौन है? तीशु मिली है तीशु से. क्या कर रहे हो? कह रही मैं प्रसाद दूंगी पहले. आओ जल्दी आओ मम्मा पास जल्दी आओ. इधर इधर मुश्किल से मैंने तो ले ली. तीशु अरे मम्मी पापा को कैंडल तो दे दे. भैया अभी कुछ हो रहा है. जल्दी पारी को जल्दी 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 पारी. अभी ये घुलेगी मिलेगी एक दो दिन लगेंगे. अच्छा भैया नन्नू 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 भैया शादी कर नन्नू भैया से शर्मा रही है. अच्छा सुनो मम्मा को भी मम्मा जल्दी. तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि
हम मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मेरे को बिल्कुल भी मतलब किसी को भी फैमिली में किसी को भी नहीं पता था कि ये मेरी जो देवरानी है वो आने वाले हैं, भैया आने वाले हैं, कुछ भी आइडिया नहीं था। इन्होंने भी सबको सरप्राइज़ दिया, तो बस इनको देख के एकदम से हम शॉक्ड हो गए, क्योंकि इन सब मतलब इन्होंने मना कर दिया था कि इनका प्लान नहीं हो बन पाएगा। एक्चुअली हमारे घर में है शादी, और बस शादी का था कि शादी में आना है, तो इन लोगों ने मना कर दिया था कि ये लोग नहीं आ रहे हैं, और एकदम से ये आ गए तो हम सारे शॉक्ड हो गए। एक तो ये वाला बिग सरप्राइज था हम सब के लिए, और सेकंड था ये जो अभी आप देख रहे हो, इसलिए ये मेरी जो सेकंड नंबर वाली है, मतलब मैं तो सबसे बड़ी हूँ, ये मैं सबसे बड़ी, सेकंड में ये येलो सूट वाली मेरी देवरानी, थर्ड नंबर पे ये जिसकी थी आज गोद भराई। तो हाँ, मैं दोबारा से बड़ी मम्मी बनने वाली हूँ, तो बस इनका जो चूड़ा है वो बढ़ाया जा रहा है, और हमारा ही वेट हो रहा था, बस मैंने कुछ भी चेंज वगैरह नहीं किया, फटाफट चूड़ा बढ़ाया, और बस रिटेल स्टार्ट हो जाएंगे अभी। देख क्या लाई है, देख जल्दी देख। आए हाय, बोल तो दे, थैंक यू तो बोल दे, मेरे पास है अपनी मोड़ वाली, जो मिल गया उसमें खुश हो जा। छोटी छोटी भी खेलने लग गया। ओह वाओ, थैंक यू, कौन बोलेगा नन्नू के, देख ले इतना इसके पैर, ऐसे इसको ना ऐसे चलानी पड़ेगी ना, ठीक। ओ स्टेप, देख देख फ्रेश। अरे वाह नन्नू, अब चाची को अग्गी तो कर दे फिर। तो वैसे तो ना मतलब सबके अलग अलग रीतें होती हैं, वैसे तो क्या सबकी ही होती है अलग अलग रीतें, तो किसी में धूमधाम से किया जाता है, किसी में आराम से किया जाता है, बिना शोर के किया जाता है, तो हमारे बिना शोर के ही किया जाता है ये रीतें। मतलब जो मतलब मम्मी पापा को ऐसे जो बनने वाले होते हैं उनको ऐसे चौके पे बिठा के हमारे में जो टैब होती है ना उसके आगे जोते जलाते हैं, जो जितने भी घर में मेंबर होते हैं उतने जोते जलाते हैं, और थोड़ा सा प्रसाद रख देते हैं। फैमिली में जो बड़े लोग होते हैं वही सब नृत्य कराते हैं, और बाकी जो मम्मी बनने वाले होते हैं उनकी झोली में मतलब जो माइकेस होता है वो रखते हैं, और जो ससुराल वाले की साइड से होते हैं वो रखते हैं, बस ऐसे ही करते हैं। बाकी आप में कैसे करते हैं बताइएगा ज़रूर, और मुझे करना नहीं था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, नहीं करना था, समझ जाना कि इसलिए नहीं करना था मुझे। तो बस यहाँ पर सारे बड़े झोली में रख देंगे लड़के की, और मतलब मेरे देवर और देवरानी की झोली में रख देंगे, क्या ऐसा ही होता है। और बस इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि इतनी खुशी हो गई थी ना, बस बातों में ही लग गए, मतलब कुछ भी नहीं पता चला कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, बस खाना वाना खाया और फट से हमने बातें बातें की, और पता ही नहीं चला कब सो गए। तो बस ऐसे ही गया ये वाला दिन हमारा। तो कैसा लगा ये वाला व्लॉग बताइएगा ज़रूर, कैसे लगे सरप्राइज आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। नन्नू अब दोबारा से बड़ा भैया बनने वाला है, मतलब सबसे बड़ा है ना ये, और सबसे डांट भी खाता है ये, बड़ा होने का इसका मतलब थोड़ा सा हो जाता है, इसके बड़े बच्चों को वैसे ही ज़्यादा ही डांट पड़ती है ना। तो बस इसके बाद इनको उठा दिया जाएगा, और हमारे में ये सिंपल सी रीतें होती हैं, और इसके आने वाले व्लॉग जो इसके बाद आएगा वो मत मिस करना, उसके बाद भी हमने किसी न किसी को सरप्राइज़ दिया है। तो चलो बाकी इस वाले व्लॉग का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस, बाय बाय।